अस्सलाम वालेकुम। और भाई लोग क्या हाल है यार? ऐसे ही बैठा था तो दिल कर रहा था मेरा वीडियो बनाने का यार, तो मैंने क्या सोचा चलो वीडियो बनाता हूँ। अब आप लोग को बताता हूँ सऊदी अरबिया में मेरी 9-10 साल की लाइफ कैसे गुजरी। तो सोच रहा हूँ इसी टॉपिक पे यार एक वीडियो बनाता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट की जॉब में हूँ, रेस्टोरेंट में हूँ, उसमें मैं काम करता हूँ। तो सोच रहा हूँ आप लोग को यार कुछ बताऊँ रेस्टोरेंट के बारे में कि क्या है यहाँ की लाइफ, क्या कैसे रहते हैं हम लोग, कैसे अप्रूव करते हैं यार, यही सोचता हूँ यार। हाँ भाई, तो यही सब सोच रहा था यार, वीडियो बनाओ और वीडियो बना के आप लोग को सारा कुछ दिखाऊँ यार, अपनी लाइफ के बारे में सारा कुछ बताऊँ, क्या हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ, मैं कैसे आया सऊदी में, क्या है लाइफ सऊदी की। तो मैं सोचता हूँ यार आप लोग के सामने एक बार शेयर करूँ यार मेरी लाइफ कैसे गुजरी 9 साल यहाँ पर। इसी सोच रहा हूँ एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन उससे पहले आप लोग को मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा, सबको शेयर करना होगा, सबके सामने वीडियो मेरी पहुँचे। इसलिए मैं सोचता हूँ जितने भी मेरे भाई विदेश आने वाले हैं या आना चाहते हैं, या जिनका वीज़ा लग गया है, या जिनका आज कल 2-4 दिन में टिकट है, उन सबको मैं सोच रहा हूँ यार बताऊँ क्या है यहाँ पे, कैसे रहना चाहिए, क्या होता है यहाँ पे आने के बाद, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, उसके बाद सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक, 1 मंथ, सेकेंड मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, उसके बाद क्या है यार यहाँ पे। सोच रहा हूँ इसी के बारे में बनाऊँ यार वीडियो भाई यार। तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ यार वीडियो, शेयर करता हूँ आपसे क्या हुआ मेरा पहला दिन मेरे मैनेजर के साथ कैसे गुजरा, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा भाई अपनी जो लाइफ मैंने यहाँ पे गुजारी 9 साल उसकी मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, और आपको मैं हर एक पार्ट में समझाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ यहाँ पे 9 साल पे क्या क्या हुआ है। मैं एक आया था किस काम के लिए, उसके बाद मैंने क्या काम किया यहाँ पे, फिर मुझे कैसे पोस्ट मिली, कैसे मैं ऊपर गया, ये सब को मैं अप्रूव करते करते स्टेयर यानी एक सीढ़ी होती ना, आप सीढ़ी को बनाते जाइए आपका रास्ता खुद बनता जाएगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ यार बताऊँ यार आप लोग को, आप लोग के सामने शेयर करूँ मैं क्या हुआ यानी कैसे मेरे साथ क्या हुआ था। बोले भाई मैं कसम से अगर आप लोग को अपनी स्टोरी बताना चालू करूँगा, आप लोग कमेंट में बताइए अगर मैं स्टोरी अपनी बताना चालू करूं तो कसम से मैं फिर ये तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आप मेरी वीडियो देखिए और उसमें देखिए मैं क्या बोलता हूं यार, क्या कहता हूं, कैसे क्या हुआ है मेरे साथ यहां पे। बोलिए तो ठीक है, तो ठीक है मैं वीडियो को यहीं पे रखता हूं एंड तक, उसके बाद मैं आपको फर्स्ट पार्ट बनाता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे आया, मेरा दोस्त कैसे बुलाया, उसने मुझे कैसे यहाँ पे रखा, उसके बाद मेरा पहला दिन कैसा गया, मेरे मैनेजर के साथ पहला दिन कैसे गया, इन सब के बारे में मैं बताता हूँ यार आप लोग को, कसम से बताता हूँ और फिर समझाऊँगा भी आपको, आप आओ यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है इस सब को यार आपके सामने मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना के अपने एक लेखक तो नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए एक तो मैं वीडियो में जो मेरे दिल की बात है वो मैं आप सबके सामने शेयर कर सकता हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो अंत तक देखो और मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ठीक है मैं वीडियो को एंड तक रखता हूँ, यहीं तक रखता हूँ, और फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ क्या हुआ। ओके, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए और मास्क लगाइए, तो ये पैंडमिक है ये तो बहुत बुरी चीज़ है ही, क्या हुआ यहाँ पे इसके बारे में भी बनाऊँगा यार मैंने यहाँ पे कैसे गुजारा ये पैंडमिक के 2 साल। चलो ठीक है, तो मैं वीडियो को यहीं पे रखता हूँ और मैं फिर जो है अपनी बात
नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ मैंने यहाँ पे कैसे आया, वीज़ा कैसे अप्लाई की। तब तक का दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।